दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। डीएनडी और चिल्ला इलाके से आने जाने वालों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पर स्वास्थ्य कर्मी को लगाया गया है। पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी आने जाने वाले लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग खुद अपनी मर्जी से टेस्ट कराने के लिए रुक रहे हैं। दिल्ली में फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के नोएडा में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी ने बताया कि डीएनडी बॉर्डर व चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली से आने वाले लोगों की आज रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। अगर रैंडम चेकिंग के दौरान दिल्ली निवासी कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे दिल्ली वापस भेज दिया जाएगा। वहीं अगर नोएडा के निवासी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें कोविड 19 अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा। ये आज जो है चिल्ला बॉर्डर पे और डीएनडी फ्लाईओवर पे की जाएगी, दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी आज, उसके बाद बॉटनिकल गार्डन और अशोक नगर। सर किस तरीके से कंटेन करेंगे लोगों को, अगर कोई दिल्ली संक्रमित मिलता है तो और नोएडा मिलता है तो आपको करी देंगे? अगर नोएडा मिलता है तो हम कर देंगे, उसके बाद दिल्ली का होगा तो हम दिल्ली को भेजेंगे। ऐसा टारगेट है कि एक दिन में भी इतने आज के दिन में इतने जितने मैक्सिमम हो सके भीड़ को लेकर, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। टाइमिंग अभी से शुरू होगी शाम तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के नए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राजधानी में 6,396 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 99 लोगों ने जान गंवाई है। नए मामलों के साथ ही एक्टिव केस की कुल संख्या 42,000 तक पहुंच गई है। पंजाब केसरी के लिए गौतम बुद्ध नगर से ललित पंडित की रिपोर्ट।